फाई के शादी का दिन आता है, सभी फ्रेंड कई दिनों के बाद मिलते हैं और फाई को कंग्रेचुलेट करते हैं। जी रेड पैकेट फाई को देती है बट फाई लेने से मना कर देता है। सभी वहाँ बैठने जाते हैं, तभी जाशु की एंट्री होती है। वो सभी से वहाँ मिलता है और अपनी टाई जी को दिखाता है। जी मन में सोचती है ये तो मेरी दी हुई टाई है। जाशु यान के बगल में बैठ जाता है। यान कहता है कुछ अच्छा कहो तो मैं तुम्हें ये रेड एनवलप दूंगा। जाशु कहता है क्यों ना मैं तुम्हें डार्लिंग ब्रदर कहूँ। वो जी को देखकर कहता है डार्लिंग ब्रदर। जी ये सब सुनके शॉक हो जाती है। यान का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि बार बार जाशु हर बात पे डार्लिंग ब्रदर कहता है। जी ये सब देख के यान से पूछती है जाशु को कुछ हुआ है क्या, आज बहुत वियर्ड लग रहे हैं। यान कहता है इसको साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। वो जाशु को दिखाता है मैंने तुम्हारे लिए जगह ढूंढ ली है यहाँ। जाशु कहता है डार्लिंग ब्रदर थैंक यू, आपने मेरे लिए हॉस्पिटल भी सिलेक्ट कर लिया। यान कहता है मत कहो मुझे डार्लिंग ब्रदर। जाशु कहता है क्यों डार्लिंग ब्रदर। यान कहता है अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे वॉमिट हो जाएगी। वो जी को अपनी सीट पे बैठने के लिए कह देता है। जी बैठ जाती है, तभी फाई अपने होने वाली वाइफ के साथ आता है। सभी सेलिब्रेट करते हैं, फाई अपनी वेडिंग स्पीच देता है और टोस्ट देता है। सभी क्लैपिंग करते हैं और शादी हो जाती है। बाद में सभी बैठते हैं, जाशु जी को मैसेज करके कहता है तुमने मुझे हाय क्यों नहीं कहा। तभी जी मैसेज देखती है, उसके फादर का भी मैसेज आया होता है। जी जी मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट केक लाया हूँ, वो फ्रिज में रखा है याद से खा लेना। जी मैसेज जान को दिखाती है, यान कहता है बाद में। जाशु पूछता है कौन है जी जी। जी कहती है लोगों को मेरा पेट नेम नहीं पता। जाशु कहता है मैंने तो कभी नहीं सुना। जी कहती है हर कोई नहीं कहता, बस ओकेजनली मेरी फैमिली में कहते हैं या फिर जो मेरे बहुत क्लोज है। जाशु पूछता है ब्रदर नंबर टू मतलब। जी कहती है यान वन और आप टू। जाशु पूछता है मैं तुम्हारा सेकंड ब्रदर क्यों। जी कहती है क्योंकि आप यान से बड़े हो। जाशु हंसकर पूछता है जिसे तुम पसंद करती हो वो कितने साल का है। जी सोचती है दोबारा से लाने की इस बात को क्या जरूरत है। वो कहती है आपको क्या। जाशु कहता है बताओ वो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता है। जी मना करती है। जाशु और क्वेश्चन पूछता है, जी सारे जवाब झूठ में देती है। तभी जाशु भी सब समझकर झूठ बोलता है, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम उसे कैरियोके में मिली। जी सोचती है क्या मैंने कहा था। वो जाशु को कहती है हाँ हाँ मैं मिली थी। जाशु को सब समझ आ जाता है कि जी उसे पसंद करती है, वो खुश होता है। जी पूछती है क्या हुआ। जाशु कहता है कुछ नहीं बस फाई स्मार्ट निकला। जी पूछती है इसमें फाई का क्या लेना देना। जाशु सर हिलाकर बोलता है तुम्हें उसमें इंटरेस्ट कैसे आया। जी कहती है क्यों बताऊं मैं। वो यान को अपनी सीट बदलने को कहती है, यान मना कर देता है। तभी जाशु कहता है डार्लिंग ब्रदर खाओ ना। यान कहता है मैं नहीं आ रहा। जैसे ही जी स्ट्रॉबेरी खाने जाती है तभी एक फ्रेंड उसे खा लेता है। जाशु ये सब देखता है। जी यान से पूछती है तुम कब चलोगे। यान कहता है बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ। जी कहती है ठीक है मैं चलती हूँ पर ज्यादा मत पीना। यान पूछता है क्या मैं किसी को भिजवा दूँ। जी मना करती है। वो जाशु और सभी को बाय कहकर निकल जाती है। जैसे ही जी बाहर आती है जाशु कहता है इतना तेज क्यों भाग रही हो। जी कहती है आप भी जा रही हो क्या। जाशु कहता है नहीं बहुत लेट हो गया है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जी कहती है आपने नहीं पी। जाशु कहता है तुम तो मेरे बगल में थी ना तुम्हें नहीं पता कि मैंने पी है या नहीं। जी कहती है मैं जानती हूँ आपने नहीं पी बट मैं चली जाऊंगी आपको मुझे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है वापस से यहाँ आना आपको परेशानी देगा। जाशु कहता है नहीं तो अगर कोई और होता तो होती। वो जी को रेड पैकेट वापस देकर कहता है मैं जी जी को उसकी चीज वापस कराऊं। जी कहती है आपने क्या कहा। जाशु कहता है जी जी तुम्हीं ने तो कहा जो तुम्हारे क्लोज हैं से वही तुम्हें जी जी कहकर बुला सकते हैं। जी कहती है इसे आप ही रखो ये यान ने दिया है अगर आप नहीं रखोगे तो आपका बहुत लॉस होगा। जाशु कहता है अगर जी जी की तरफ से है तो कोई लॉस नहीं। वो रेड एनवेलप जी को दे देता है। जी शॉक में रहती है। जाशु पूछता है कल कब जा रही हो। जी कहती है मॉर्निंग फ्लाइट है 8 बजे। जाशु कहता है मेरी भी तो मैं तुम्हें कल एयरपोर्ट के लिए लेने आता हूँ। जी कुछ समझ ही नहीं पाती। जाशु जी को कार में बैठाता है और उसे छोड़ने के लिए निकलता है। वो उसे घर छोड़ देता है। जैसे ही जी जाती है जाशु उसे न्यू ईयर प्रेजेंट गिफ्ट में देता है। जी ले लेती है। जाशु उसे खोलने को कहता है। जी उसमें ब्रेसलेट देखती है उसमें जी का पूरा नाम लिखा होता है। जाशु पूछता है पसंद आया क्या। जी एग्री करती है। जाशु उसे अंदर जाके सोने को कहता है।
जी गुड नाइट कहकर अंदर चली जाती है। जाशु भी गुड नाइट करता है। वो मन ही मन बहुत खुश होता है। जी अंदर आकर सोचती है, ब्रेसलेट जिसमें मेरा नाम है इसका क्या मतलब है। वो ऑनलाइन सर्च करती है उसका मतलब। लव आता है। एपिसोड के एंड से पहले एपिलॉग में दिखाया जाता है जाशु स्ट्रॉबेरी का पूरा पैकेट खरीदकर जी को दे देता है। जी कहती है ये मेरे लिए। जाशु कहता है मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। वो लोग जाते हैं। रास्ते में जाशु पूछता है तुम्हें नहीं खाना क्या। जी पूछते आपको खाना है। जाशु एग्री करता है। जी उसे देती है पर जाशु नहीं खाता। जी और करीब करके कहती है क्या मैं आपको खिलाऊं। जाशु उसके हाथ से खा लेता है। जी एकदम से शॉक में चली जाती है। जाशु खाके कहते हैं ध्यान से मेरा तुम फायदा मत उठाओ। जी कहती है क्या बकवास है। जाशु हंसता है। वो रोमांटिक म्यूजिक चलाता है। दोनों हंसते हैं और लॉन्ग ड्राइव की तरह उसे इंजॉय करते हैं। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जग्या चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज कोरियन जग्या एज वेल एज इंस्टाग्राम अकाउंट korean.jagya। थैंक यू।